नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ राफेल मामले को लेकर। राफेल मामले को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेर रही है, इससे एक बात तो यहाँ पर समझ में ये आ रही है कि शायद राफेल मामले की वजह से बीजेपी लोकसभा चुनाव हार सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, कांग्रेस ने जिस तरीके से राफेल मामले पर बीजेपी को घेरा है और अन्य विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार को घेरने में लगी हैं, तो शायद इसका दुष्परिणाम मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूं एनसीपी नेता शरद पवार की, तो उन्होंने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए ये कहा है कि जिस तरीके की बात विपक्ष कर रही है उसके कोई मायने नहीं है। तो यानी कि शरद पवार ने यहां पर जिस तरह से मोदी सरकार का समर्थन किया है और मोदी सरकार राफेल मामले पर मोदी सरकार की सहमति जताई है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आती है कि शरद पवार किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि राफेल मामले पर हालांकि मैं बात करूं बीजेपी के कई नेताओं ने, बीजेपी के केंद्रीय नेता मंत्रियों ने राफेल मामले पर अपना जवाब भी दिया है, लेकिन राहुल गांधी उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी का ये कहना है कि राफेल मामले पर वो पीएम मोदी से जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार राफेल मामले में जो घोटाला हुआ है वो कितना घोटाला हुआ है और किन वजहों से हुआ है। तो ऐसे में राहुल गांधी राफेल मामले पर मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने कितने करोड़ में जहाज खरीदे और किस तरह से क्या जो है इनकी चीजें हैं, क्या इनमें चीजें लगाई गई, उन सब चीजों के बारे में राहुल गांधी जानना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं राफेल मामले पर मोदी सरकार को राहुल गांधी ने संसद में भी घेरा था, लेकिन उस दौरान भी पीएम मोदी ने नहीं बोला। तो देखिए, पीएम मोदी राफेल मामले पर नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक ये जाहिर हो रहा है कि शायद राफेल में बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो राफेल मामले पर बीजेपी नेताओं ने अपने स्टैंड भी लिया है। उन्होंने कहा है कि राफेल मामला जो है जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है राफेल मामले में घोटाले को लेकर, वो सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस अपने फायदे के लिए उठाई जा रही है। आपको बता दो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राफेल मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में राफेल मामले में जो घोटाला हुआ था, राफेल मामले में जो कह सकते हैं दिक्कतें हुई थी, उस पर कांग्रेस बात नहीं कर रही। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ, राजनाथ सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल मामले पर बयान दिया है। राफेल सौदे पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा था, क्या कहा था वो हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, राफेल सौदे पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को कहा कि राफेल सौदा मामले में जनता को गुमराह करने के राहुल गांधी के प्रयास राफेल हो जाएंगे। सिंह ने केरल बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में ये कहा कि ये राफेल नहीं, यह राफेल है, यानी कि राहुल फेल है। और देखिए, यह बात उन्होंने कही और आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि पीएम मोदी को चौकीदार बोलते हुए कि चौकीदार चोर है, इस तरह की बात राहुल गांधी ने की थी। और राफेल मामले पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम मोदी अपने, या कह सकते हैं कि राफेल मामले पर अपना बयान दे। वहीं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कह दिया है राफेल मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि राफेल है, यानी कि राहुल फेल है और वह असफल साबित होंगे। राहुल गांधी राफेल सौदे की सच्चाई जानते हैं, लेकिन वह इस मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं। राजनाथ ने कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव देने को कहा। उनका स्पष्ट इशारा विपक्षी पार्टी द्वारा मोदी को चोर कहने पर था। यह बैठक पीएम श्रीधरन पिल्लई की पार्टी के नए राज्य प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई थी। राफेल के मुद्दे पर पाकिस्तानी नेताओं की ओर से पीएम मोदी को निशाना बनाए जाने पर राजनाथ ने कहा, आप सच्चाई जानते हैं लेकिन जाने अथवा अनजाने में आप पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस के जिस तरीके से राफेल मामले पर मोदी सरकार को घेर रही है, और सबसे बड़ी बात है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा था आज राहुल गांधी पाकिस्तानी की बोल बोल रहे हैं। आज
पाकिस्तान भी ये चाहता है कि राहुल गांधी देश के पीएम बने। तो जिस तरह से पाकिस्तान और राहुल गांधी की जो साठगांठ है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं संबित पात्रा ने किया था। और सबसे बड़ी बात है, अब राजनाथ सिंह ने भी ये कह दिया कि राफेल मुद्दे पर पाकिस्तानी नेताओं की ओर से पीएम मोदी को निशाना बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि आप सच्चाई जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने में पाकिस्तान के समर्थन में आप बोल रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। तो राहुल गांधी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी राफेल मामले पर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर, लेकिन अगर मैं बात करूं क्या राहुल गांधी ने सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों की बात की, राहुल गांधी ने बेरोजगारी वर्ग के जो लोग आज बेरोजगार हैं उनके वर्ग के लोगों के लिए बात की, क्या राहुल गांधी ने बात की उन किसानों की जो किसान आज परेशान है, क्या राहुल गांधी ने और मुद्दों पर बात की? तो देखिए जनता के असली मुद्दों पर बात करते ना करते हुए राहुल गांधी जिस तरीके से राफेल मामले को लेकर और कई मामले को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं कि किस तरह से राहुल गांधी भी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, किस तरह से राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ देखा जाए कि ये बहुत ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान के नेता भी या चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के पीएम बने, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती है कि राहुल गांधी को किस तरीके से पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से पड़ोसी देश के लोग समर्थन कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को देश की इतनी चिंता है, अगर राहुल गांधी को आम लोगों की इतनी चिंता है, तो उन्होंने कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान क्यों जाने दिया, उन्होंने कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने से क्यों नहीं रोका? कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं, वहां के जो जनरल हैं बाजवा उनसे गले मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या गले मिलते वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार भी शहीद जवानों के बारे में नहीं सोचा? क्या गले मिलते वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान जिस तरह की कायराना हरकत करता है उसके बारे में वो एक बार भी उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया? एक बार भी नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात का ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से नापाक हरकत की जाती है, और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू बाजवा के गले मिलते हैं? ये चीज़ें नज़र आती हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से दोहरे चेहरे के साथ यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के साथ संपर्क में कर रहे हैं, संपर्क में है, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये देखा जाए कि वो लोगों का विश्वास जीतने में लगे हैं। अगर राहुल गांधी को इतनी ही चिंता होती देश की और देश के लोगों की, शहीद जवानों की, तो नवजोत सिंह सिद्धू को अभी तक पार्टी से बाहर निकाल देते, क्योंकि जिस तरीके से देश के दुश्मन के लोगों के साथ नवजोत सिंह सिद्धू गले मिलकर आए हैं, वहाँ शेरो शायरी की है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कह सकते हैं इस पर गुस्सा होना चाहिए था, इस पर अपना स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया, राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू जो देश प्रेम को लेकर बात करते हैं, जो शहीद जवानों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि नेताओं का मकसद केवल और केवल वोट लेना होता है, राजनीति चमकाना होता है। अगर वाकई में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अगर देश की चिंता होती, तो शायद वो देश के मुद्दों पर आज बात कर रही होती, आज वो लोगों के मुद्दों पर बात कर रही होती, आज वो पाकिस्तान की कड़ी आलोचना कर रही होती। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये देखने को मिला है कि कांग्रेस दोहरे चेहरे के साथ यहाँ पर गेम खेल रही है, लोगों को बरगला रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड के तरीके से गेम खेल रही है। एक तरफ तो आप पाकिस्तान, आपके नेता पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ के जनरल जो है उनसे गले मिलते हैं, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर बात करते हैं शहीद जवानों की, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आता है कि कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से वो रणनीति बना रही है, जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए वो कोशिश कर रही है, और जिस तरह से लोगों को बहलाया जा रहा है, जनता को लुभाया जा रहा है, ये जनता को भी समझना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड के तरीके से गेम खेल रही है, चुनाव जीतने के लिए हर पैतरा अपना रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने, ये वाकई में ताज्जुब की बात है। आखिरकार पाकिस्तानी जो है नेता क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने? और आपको मैं एक बहुत बड़ी जानकारी बता दूं कि कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं
देशद्रोही की, तो हाफिज सईद की अगर मैं बात करता हूँ, हाफिज सईद बहुत बड़ा देशद्रोही है और सबसे बड़ी बात है आतंकवादी है। लेकिन जिस तरीके से उसने कहा था कि भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सही काम कर रही हैं और जो उनके काम से वो खुश हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में इतना बड़ा गेम चल रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए जो तरकीब निकाली जा रही है उसे देश की जनता को समझना होगा। खैर, देखते हैं देश की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला लेती है और क्या राफेल मामला बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।